सुबह के 11 बजे हैं और हमारी यह वुडन कंटेनर जिसमें सुबह केवल कलियां ही दिख रही थी वही अब फूलों से भर गई है, फिर चाहे ये रंग बिरंगे वाले फूल हो या ये सफेद वाले। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम ऑफिस टाइम फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे यहाँ उपलब्ध है उससे आपको रूबरू कराएंगे। हर दिन अलग अलग रंगों से भरपूर ये कंटेनर हमारे छत की शोभा बढ़ाता है। तो दोस्तों, ऑफिस टाइम फ्लावरिंग प्लांट में मेनली पॉटिकुला और पर्सलेन आते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉटिकुला और पर्सलेन में अंतर की। पॉटिकुला की पत्तियां लंबाई में एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में और फ्लैसी होती हैं, तो वहीं पर्सलेन की लीव्स फ्लैट एंड फ्लैसी होती हैं। पत्तियों की बात तो हो गई, अब दोनों के फूलों की भी हम बात कर लेते हैं। पॉटिकुला के फूल की पंखुड़ियां मल्टीपेटल होती हैं, जैसे गेंदा के हजारा प्रजाति वाला फूल होता है वैसे ही कुछ इसकी भी होती हैं, लेकिन साइज में ये थोड़ा छोटा होता है। हाँ, लेकिन आपको इसमें कलर ऑप्शन ढेरों मिल जाएंगे। अब हमारे पास ही देख लीजिए इसमें कितने कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर पर्सलेन फ्लावर की बात की जाए तो इसमें सिंगल पेटल वाले फ्लावर्स मिलते हैं, 3 से 4 कलर ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सभी फ्लावर्स में ये येलो रंग का जो पैच है ये कॉमन होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े डिस्प्यूटेड टॉपिक की, तो वो क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि पर्सलेन का साग या सब्जी बनाई जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं पर्सलेन औषधि गुणों का खजाना है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, जो पर्सलेन जिसमें कलरफुल फ्लावर्स आते हैं वे केवल सजावट या ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो वहीं ये छोटे पीले फूल वाला पर्सलेन जिसे लोनी पर्सलेन या कुल्फा कहा जाता है, इसे साग सब्जी या औषधीय प्रयोगों में लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान एक तो इसका फूल है जो छोटा होता है बाकी पर्सलेन के फूलों से, तो वहीं इसकी पत्तियां स्वाद में थोड़ी खट्टी होती हैं, इसलिए कई क्षेत्रों में इसे अमलोनी का साग भी कहते हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए आपके यहाँ इस साग को क्या कहा जाता है। बाकी इन तीनों ही ऑफिस टाइम फ्लावरिंग स्पीसीज की केयर की बात की जाए तो आप इन्हें नॉर्मली पानी दीजिए और फुल सनलाइट में रखिए, सूरज की धूप ही इनकी मेन खुराक है। शीत ऋतु मतलब नवंबर से फरवरी के बीच ये पौधे शीत निद्रा या डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में मुझसे कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।